हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योरगन फड्डा क्लासेस। स्वागत है आपका। एग्रीकल्चर का जो स्टैटिक जीके हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें ये हमारी अगली वीडियो है जिसमें हम अपने वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दलहन, चाय और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो वो है लोबिया और मूंग, इसका इस्तेमाल जो है इसमें किया जाता है। प्रमुखता वर्षा आधारित फसल कौन सी है? तो बाजरा जो है रेन बेस्ड जो है क्रॉप है एक तरीके की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य जो है धारणीय नीति से देश के चुनिंदा जिलों में कृषिगत जमीन में बढ़ोतरी और उत्पादकता में वृद्धि लाकर किन फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है? ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो धारणीय होता है सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें किन के वृद्धि करनी है? तो चावल की वृद्धि करनी है, गेहूं का प्रोडक्शन में वृद्धि करनी है और दलहन जो होती हैं जितनी भी दालें वगैरह होती हैं उनके प्रोडक्शन में वृद्धि करनी है। अगला है हमारा कि भारत के कुछ भागों की यात्रा करते समय कहीं कहीं लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें यह है कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है और उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है तो वो हीट के साथ जो है जो उसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है कंपोजिशन होता है उसमें चेंजेस आते हैं जिससे क्या होता है मिट्टी में फर्क आ जाता है मिट्टी के रंग में। तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का जो कलर होता है वो ऐसा हो जाता है। विगत एक दशक में भारत में किस एक फसल के लिए कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी ही बनी रही है? ठीक है, तो वो है दलहन। दलहन की जो कृषि भूमि है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, जितना परसेंटेज पहले था उतना ही वर्तमान में भी है। व्यापक फसल बीमा योजना, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस जो स्कीम के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई है? 1999 में लागू की गई है। 4 अप्रैल 2013 को रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने किस सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला लिया था? ठीक है, तो वो लिया गया था चीनी पर। इससे पूर्व पेट्रोल और डीजल को सरकार नियंत्रण से मुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि रंगराजन कमेटी की सिफारिश पे 2013 में जो है जो चीनी है उस पर जो है गवर्नमेंटल जो कंट्रोल होता उसे हटाया गया था। मनरेगा के तहत मजदूरी प्रदान करने वाला राज्य जो है सर्वाधिक जो देने वाला वो राज्य था, ये जिस टाइम के हिसाब से दिया गया है तो 214 रुपये प्रतिदिन था। ये पुराना थोड़ा रिकॉर्ड है लेकिन आप तब भी इसको कंसिडर कर सकते हैं या अपने आप जो है आप मोबाइल वगैरह से देख के फैक्ट जो है अपडेट कर सकते हैं। मनरेगा के तहत मजदूरी दर को किस आधार पर जोड़ा गया है? तो मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है जो प्राइस इंडेक्स होता है उसके आधार पर जोड़ा गया है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में और फरीदाबाद हरियाणा, दो जगह पे ये स्थित है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। भारत के 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में हमें अनुक्रम बताना। तो एक पहले सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चौथे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम है। कौन सा राज्य ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो रेशम होता है उसमें ओक और टसर दोनों आते हैं तो ये है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में दोनों अलग अलग टाइप के जो रेशम होते हैं वो दोनों मिलते हैं। तो उनके टाइप याद रखिएगा कि ओक और टसर किससे संबंधित हैं, तो वो रेशम ये कपास से संबंधित हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो याद रखिएगा बराक घाटी जो महत्वपूर्ण फसल है वो संबंधित है वो क्या है? पटसन है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है, यानी कि क्या उसके लिए सिचुएशंस कंडीशंस जरूरी हैं? तो मध्यम ताप यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल होनी चाहिए, तो इससे क्या होता है ये गेहूं की खेती अच्छी होती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन जो है अधिकतम तीव्रता से होता है? तो कृषि भूमि में जो है अगर हम सोरघम को अगर बोएं तो उससे क्या होता है अपरदन जो है अधिकतम तीव्रता से होता है।
भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अत्यधिक होने का कारण अनुर्वर होता जा रहा है, मतलब जिससे क्या होती है फर्टिलिटी उसकी लो होती जा रही है, तो वो क्या है लैटराइट की वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है लो होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है सरसों फसल है, ठीक है सरसों फसल है तो वो रबी की फसल है। देखिए रबी खरीफ और जायद इसमें जो है लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि रबी जो है एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब ठंड ठंड से होता है या विंटर सीजन से होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। सरसों यही टाइम में लगती भी है, जो गांव से संबंध रखते होंगे उन्हें पता होगा। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो वो कौन कौन सी फसलें हैं जायद में, मूंग एवं उड़द हैं। उड़द जो दाल होती है मूंग की दाल होती है, ये कब लगाई जाती है जायद की फसलों में, सिंचित क्षेत्रों में लगाई जाती है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है, तो जो ब्लैक सॉइल होती है ठीक है काली मृदा खास करके जो कहाँ पाई जाती है दक्कन का जो ये पूरा इलाका है वहां पे मिलेगा, गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो लोअर एरिया है नीचे वाला लोअर साउथ जो है वहां पर काली मृदा ज्यादातर मात्रा में पाई जाती है, इसी वजह से वहां पे कपास का उत्पादन भी ज्यादा होता है। ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जो ढलाव पहाड़ी स्थल है वहां किसकी खेती उत्तम होती है। देखिए हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो स्लोप वाला एरिया होता है माउंटेनियस जो स्लोप होता है जहां पर पानी रुकना थोड़ा सा क्या होता है टफ होता है, तो वहां पर क्या होता है चाय की खेती इजी होती है। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ पर अनाज उत्पादन होता है उसका परसेंटेज भी हाई है, तो सभी लोगों को पता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि एक कृषि आधारित राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो खेती में है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।